नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशनल ट्रेडर के YouTube चैनल पर। और बात हो अगर करियर की, तो बेहतर करियर के लिए एक सही दिशा चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स स्कूल एजुकेशन तो पूरा कर ही लेते हैं, लेकिन 12th पास करने के बाद क्या करें और क्या ना करें कुछ समझ नहीं पाते, उनको कोई गाइड करने वाला होता नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 12th के बाद क्या करें, व्हाट टू डू आफ्टर 12th, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर साइंस सब्जेक्ट। आइए जानते हैं। तो फर्स्ट है 12th आर्ट्स के बाद क्या करें। हायर सेकेंडरी एग्जाम को क्लियर करने के बाद कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा आर्ट सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, ये सवाल हर 12th क्लास के स्टूडेंट के दिमाग में होता ही है, क्योंकि एक सही चुनाव इंसान को सक्सेसफुल बना सकता है। वैसे तो 12th में आर्ट सब्जेक्ट से पास होने के बाद आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, जिससे कि आप अपना करियर बना सकते हैं। 12th के बाद आर्ट्स में बीए करें। अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं आर्ट्स में, तो आप कॉलेज में बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स में अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर सकते हैं। इसके बाद आप किसी भी अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। दूसरा है 12th के बाद मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में करियर बनाएं। अगर आपको मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है, तो 12th के बाद आप इसे कर सकते हैं। इसमें आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी और आगे जाकर ये एक बेहतर ऑप्शन है। तीसरा है 12th के बाद लॉ करें। अगर आपको वकील यानी कि एडवोकेट बनना है, तो आप लॉ की पढ़ाई आगे कर सकते हैं आर्ट्स करने के बाद। और चौथे नंबर पर है बैचलर ऑफ सोशल वर्क। अगर आपको सोशल वर्क में इंटरेस्ट है, तो आप इसमें अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर सकते हैं। और नंबर 5 पर है गवर्नमेंट एग्जाम्स दें। अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है, तो आप 12th के बाद SSC की तैयारी कर सकते हैं। और अब बात करें 12th में कॉमर्स करने के बाद क्या किया जाए, तो कॉमर्स एक बेहतर ऑप्शन है करियर बनाने के लिए। अगर आपने 12th में कॉमर्स लिया है, तो आगे जाकर के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 12th कॉमर्स के बाद BCom करें। अगर आप अपनी कॉमर्स की पढ़ाई आगे करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप किसी भी कॉलेज में BCom के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएट होने के बाद एक अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। दूसरा है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। 12th में कॉमर्स के बाद आप बैचलर ऑफ कॉमर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट होने के बाद आपको बैंक्स में जॉब मिल जाएगी। तीसरा है चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि CA करें। आप कॉमर्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट करके CA बन सकते हैं और एक काफी अच्छी सैलरी भी पा सकते हैं। ये कोर्स बहुत फेमस है, ज्यादातर कॉमर्स के स्टूडेंट्स यही कोर्स करते हैं। नंबर 4 पर है कंपनी सेक्रेटरी के लिए अप्लाई करें। अगर आप एक बड़े और फेमस कंपनी के सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, तो आप 12th के बाद इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5वें नंबर पर है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि BBA करें। अगर आपको आगे जाकर के बिजनेस करना है, तो आप 12th पास करने के बाद ये कोर्स कर सकते हैं। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यानी कि MS करें। 12th के बाद ये ऑप्शन काफी बेहतर है और इसको पूरा करने के बाद कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम्स दें। अगर आपको 12th में कॉमर्स के बाद सरकारी नौकरी करनी है, तो आप SSC एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। अब देखते हैं 12th में साइंस के बाद क्या करें और किस फील्ड में जाएं। जैसा कि हम सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि साइंस वही बच्चे लेते हैं जिन्हें 10th बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आते हैं और उनका पढ़ाई में ध्यान रहता है। ये एक थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट से ज्यादातर बच्चे इंजीनियर डॉक्टर जैसी फील्ड को चुनते हैं और आगे जाकर के अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं। तो इस फील्ड में कई सारे ऑप्शंस हैं जिन्हें आप 12th के बाद कर सकते हैं। 12th के बाद BTech करें। अगर आप साइंस पढ़ने के बाद कंप्यूटर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको BTech कोर्स के लिए अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपको कहीं एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे या डायरेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है PMT के लिए अप्लाई करें। अगर आपके पास 12th में बायोलॉजी है और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आप PMT यानी कि प्री मेडिकल टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। नंबर 3 पर है बैचलर ऑफ साइंस यानी कि BSc करें। अगर आप साइंस में आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, यानी कि साइंस में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप BSc के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 पर है 12th के बाद नेशनल डिफेंस सर्विस यानी कि NDA करें। अगर आप 12वीं के बाद NDA करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। इससे आप नेवी, आर्मी फोर्सेस, एयर फोर्स जैसी सर्विसेज में अपनी सेवाएं दे सकते हैं, तो ये भी एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। तो इस वीडियो में जो भी कोर्सेज आपको बताए गए हैं, ये आप 12th के बाद कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हमेशा वही चीज कीजिए जो खुद को अच्छी लगे, यानी जिस चीज में आपको पढ़ने में मजा आए वही कीजिए। जबरदस्ती किसी भी कोर्स को पूरा करने की कोशिश ना करें, हमेशा वही करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे हमने अपना इंस्टाग्राम पेज बना रखा
रखा है @motivationaltrader2022, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।